टू अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। तो आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेतृत्व या नेता और समय। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में हुआ और इसके नेता थे केना सरकार और दर्जी नारायण। ये 1760 से 1818 तक हुआ। फकीर विद्रोह ये बंगाल में हुआ, ये थे मजनून शाह एवं चिराग अली, 1776 से 1777। चुआरो विद्रोह बांकुड़ा बंगाल, दुर्जन सिंह इसके नेता थे, ये 1798 में हुआ। पौलीगढ़ो का विद्रोह ये तमिलनाडु में हुआ, ये वीर पी कटवामन द्वारा 1799 से लेके 1801 तक हुआ। वेला टम्पी विद्रोह ये ट्रावणकोर में हुआ, ये वेलू थाम्पी इसके नेता थे, ये 1808 से 1809 में हुआ। भील विद्रोह पश्चिमी घाट ये सेवाराम इसके नेता थे, 1825 से 31 तक हुआ। रामोसी विद्रोह ये पश्चिमी घाट में हुआ, चित्तर सिंह इसके नेता थे, 1822 से 1829 तक हुआ। पागलपंथी विद्रोह ये असम में हुआ, टीपू इसके नेता थे, 1825 से 1827 तक हुआ। अहोम विद्रोह ये असम में हुआ, गोमधर कुंवर इसके नेता थे, 1828 में ये हुआ था। वहावी विद्रोह बिहार उत्तर प्रदेश सैयद अहमद तूती मीर इसके नेता थे, ये 1831 में हुआ। कोल विद्रोह ये छोटा नागपुर झारखंड में हुआ, गोमधर कुंवर इसके नेता थे, 1831 से 32 में हुआ। खासी विद्रोह असम में हुआ, तीरथ सिंह इसके नेता थे, 1833 में हुआ। फरायजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ, सरायतुल्लाह और दुटू मियाँ इसके नेता थे, 1838 से लेकर 48 में हुआ। नील विद्रोह ये बंगाल और बिहार में हुआ, तिरुत सिंह इसके नेता थे, 1854 से लेकर 62 में हुआ। संथाल विद्रोह बंगाल एवं बिहार में हुआ, सिद्धू कानू इसके नेता थे, 1855 से 56 में हुआ। मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ, बिरसा मुंडा इसके नेता थे, 1899 से लेकर 1900 में हुआ। पाइक विद्रोह उड़ीसा बक्सी जगबंधु इसके नेता थे, 1817 से 1825 में हुआ। नील आंदोलन बंगाल दिगंबर इसके नेता थे, 1859 से 60 में हुआ। पावना विद्रोह ये पावना बंगाल में हुआ, ईशान चंद्र राय एवं शंभूपाल इसके नेता थे, जो 1873 से 76 तक चला। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, इसके नेता ज्ञात नहीं है, 1874 से लेकर 75 तक हुआ। मोपला विद्रोह ये मालाबार केरल में हुआ, अली मुसलियार इसके नेता थे, 1920 से लेकर 22 में हुआ। कूका आंदोलन ये पंजाब में हुआ, भगत जवाहर मल के नेतृत्व में हुआ, समय का पता नहीं है थोड़ा ठीक से। रंपाओं का विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में हुआ, सीताराम राजू इसके नेता थे, 1879 से लेकर 1922 तक हुआ। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ, जतरा भगत इसके नेता थे, 1914 में यह हुआ। तेभागा आंदोलन बंगाल कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह, 1946 में यह हुआ। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ, इसके नेता ज्ञात नहीं है, ये 1946 में हुआ। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया, बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए एक क्वेश्चन आता है कभी कभार मेंस में कि 1857 के क्रांति से पहले और बाद की हुई क्रांतियों का एक संक्षिप्त विवरण दें, तो वहाँ पर अगर ये आपको चार्ट याद है तो आपके पास काफ़ी कंटेंट रहेगा, प्री और मेंस दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। 1857 की महान क्रांति 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, तो देखिए केंद्र भारतीय नायक विद्रोह की तिथि और ब्रिटिश नायक विद्रोह दबाने वाला और तिथि विद्रोह दबाने का। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर बख्त खां जो था इसका सैन्य नेतृत्व किया, ये 11 से 12 मई 1857 को हुआ और इसको दबाया गया निकलस एवं हडसन के द्वारा 21 सितंबर 1857 को। कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे,
5 जून 1857 ईस्वी टोपे सैन्य नेतृत्व दबाया गया कैंपबेल द्वारा और 6 सितंबर 1857 ईस्वी को लखनऊ बेगम हजरत महल, 4 जून 1857 ईस्वी कैंपबेल, मार्च 1858 ईस्वी झांसी रानी लक्ष्मीबाई, जून 1857 ह्यूरोज, 3 अप्रैल 1858 ईस्वी इलाहाबाद लियाकत अली, 1857 ईस्वी कर्नल नील, 1858 ईस्वी जगदीशपुर कुंवर सिंह, अगस्त 1857 विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर, 1858 ईस्वी बड़ेली खान बहादुर खां, 1857 ईस्वी किसने दबाया ये ज्ञात नहीं है, 1858 ईस्वी में इसको दबा दिया गया। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्लाह, ये 1857 ईस्वी को विद्रोह हुआ और इसको दबाने वाले नायक का पता नहीं है, 1858 ईस्वी को ये ख़त्म हो गया। फतेहपुर अजीमुल्लाह, 1857 ईस्वी जनरल रेनर्ड ने इसको दबाया और 1858 ईस्वी में इसको पूर्णतः दबा दिया गया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी के क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापूजी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन कर्नाटक के भीमराव मुंडंगी, छोटा सिंह कोल्हापुर के अन्नाजी फडणवीस, तात्या मोतित मद्रास के गुलाम गौस, सुल्तान बख्श चिगलुट के अरनागिरी, कृष्णा कोयम्बटूर के मुलबागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ला सली कानकोंजी सरकार, गोवा में दीपूजी नारायण, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति, गंजम में राधा कृष्ण दंडसेन तथा असम में दीवान मणिराम दत्त थे। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ में किया गया है। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख अंग्रेज कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरी ने कहा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी दत्त एवं वाचा ने घन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गरम दल एवं उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरस्टर्ट की हत्या कर दी। कुछ खास बिंदु को ऊपर देख लेते हैं। 1893 का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 तक अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया। जैसे ही उन्होंने अपना वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया,
तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 भारत आई। वे वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी 1869-1948 अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों के की दृष्टि से भी 1893 एक वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीज स्थापित की। बंगाल में अब नीचे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। पॉइंट्स को यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं पॉइंट्स को। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को बरिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्रनाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक की पुस्तक लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई थी। 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाज प्रचार पत्र का प्रकाशन किया। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनय दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी एन वापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वेलेंटाइन सिराले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब समीउल्लाह खान के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुक मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा की मृत्यु दंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कान्हाड़े ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कोभागातामारू जापानी जहाज के को बाबा गुरुदत्त 1914 ईस्वी में ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 दिसंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए।
23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाखड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम को अध्यक्ष चुने गए थे। 1915 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। अधिवेशन मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 ईस्वी को पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोगों ने इन्हें भर्ती कराने वाले सर्जेंट कहने लगे। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तीनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 ईस्वी का समर्थन में किया। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्ति एवं कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नमक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकर नारायण ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमनलाल, सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस के जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। इनमें अन्य सदस्यों ने मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के विरुद्ध टर्की के खिलाफ के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 दिसंबर 1919 ईस्वी को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। मोहम्मद अली के सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी।
5 जनवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी सजा कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चितरंजन एवं मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया। नौ अगस्त 1950 ईस्वी को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर के से लखनऊ की ओर जा रहा था, तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहिरी, रोशन सिंह एवं अशफाउल्ला खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मन्मथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ फांसी पर लटक गए। थोड़ा तो चंद्रशेखर आजादी आदि पंडित जी को देख लेते हैं। तो पूरा नाम इनका था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। जन्म स्थान था भावड़ा झाबुआ जिला, वर्तमान में अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश। जन्मतिथि है 23 जुलाई 1906 ईस्वी। पिता थे पंडित सीताराम तिवारी और माता थी जगरानी देवी। शहीद स्थल यानी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, जहाँ पर इनकी हत्या हुई थी। शहीद तिथि 27 फरवरी 1931। संबंधित संगठन था नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। संभवतः अशफाउल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल थे जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनिवर्सिटी पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान संडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के ने पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया।
परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। नोट: प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन सभाओं में अछूत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी पर को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। मई 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सोनामा नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में खली कुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया। 7 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को शुरू हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना में आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को भी नज़रबंद कर दिया गया। 9 मई 1944 ईस्वी को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन 1 सितंबर 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह सफल नहीं रहा। वो आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के तीनों ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड था एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मी बाई रेजिमेंट था। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। टोकियो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के पास अचानक हवाई जहाज में आग लगने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं चला है कि क्या वो सचमुच मारे गए थे या वो जीवित थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पी के सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सज़ा माफ़ कर दी क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा था।
आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के एन काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह सिगड़ी फैल गया। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना के मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली जो लेबर पार्टी के थे वो थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणीन्द्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की। निरंकारी आंदोलन की प्रमुख शुरुआत दयालदास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली संयंत्र केस ने में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। स्वर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेसी कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी के सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहाँ के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु M.G. इरानादे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। भारत के का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राममोहन राय को कहा जाता है।
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम 1885 से लेकर 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। पाकिस्तान शब्द का जन्मजाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य समाज सभा की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी। अब आगे के लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 82 से कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।